हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ गाइस पीट्रॉन टंजेंट लाइट नेक बैंड का। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको अभी ऑर्डर किया है, ये आ गया है। तो अभी आप लोगों को जो मैं इसको दिखाने वाला हूँ कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल जाता है, उसके बाद इसका जो क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है, वो कैसा मिलता है। तो यहाँ पर फीचर वगैरह की बात भी हम करेंगे गाइस, क्या क्या लिखा हुआ है, तो सब हम लोग जो है इस नेक बैंड का चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है बॉक्स को खोलने से पहले हम देख लेते हैं बॉक्स के बाहर जो है क्या क्या फीचर्स यहाँ पर लिखे गए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को मॉडल नंबर देखने को मिलेगा, और बॉक्स का जो यहाँ पर साइज़ है वो तो बड़ा ही है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही बड़ा साइज़ यहाँ पर दिया गया है बॉक्स का। उसके बाद अगर हम बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जैसे कि कनेक्टिविटी एडवांस वायरलेस का, तो एकदम एकदम एडवांस वायरलेस है, वायरलेस कनेक्टिविटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्लेबैक टाइम जो है वो अबाउट 8 आवर्स का है, 8 आवर जो है अबाउट आप लोग नॉन स्टॉप म्यूजिक इसमें सुन सकते हो। अगर आप लोग नॉन स्टॉप नहीं सुनते हो तो ये 2-3 दिन तक आराम तक चल जाता है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिशन रेंज 10 मीटर ओपन स्पेस, ठीक है 10 मीटर तक जो है आप लोग इसको रेंज कर सकते हो। मतलब जो है अगर आपका फ़ोन 10 मीटर दूर में है और आपका जो ये नेक बैंड है वो 10 मीटर दूर है, मतलब दूर दूर 10 से मीटर है, तो यहाँ पर जो है वो आराम से चल जाएगा। ठीक है गाइस, ये रेंज 10 मीटर का सपोर्ट कर लेता है। उसके बाद चार्जिंग वोल्टेज आप लोग देख सकते हो, DC 5 वोल्ट और 1 AR। उसके बाद फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आप लोग देख सकते हो, 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक ये सपोर्ट करता है। बैटरी कैपेसिटी जो है वो 120 mAh का है, ली पॉलीमर का यहाँ पर बैटरी लगाया हुआ है। ड्राइवर साइज़ आप लोग देख सकते हो, 10 mm का यहाँ पर ड्राइवर साइज़ देखने को मिल जाता है। चार्जिंग टाइम आप लोग देख सकते हो 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटा चार्जिंग देने से ये फुल चार्ज हो जाएगा। टॉक टाइम जो है अबाउट 8 आवर्स का, अगर आप लोग नॉन स्टॉप 8 आवर तक जो है बात करना चाहते हो तो इससे इजीली बात कर सकते हो। चार्जिंग इंटरफेयर माइक्रो USB, यहाँ पर टाइप सी का सपोर्ट नहीं मिलता है गाइस, यहाँ पर आप लोगों को माइक्रो USB का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है फीचर्स में, हाईफाई स्टेरियो साउंड विथ हाई बेस, मैग्नेटिक ईयरबड्स, यहाँ पर आप लोगों को एक मैग्नेटिक ईयरबड्स देखने को मिलेगा। जब भी आप लोग इसको जो है गले में लटकाओगे तो यहाँ पर जो लटकते रहता है, जो ईयरबड्स होता है लटकता रहता है आपका हेडफोन, तो वो जो ऑटोमेटिकली कनेक्ट, मतलब मैग्नेटिक है ना, वो ऑटोमेटिकली ऐसे चिपक जाएगा, तो यहाँ पर झूलेगा नहीं ज़्यादा, वो चिपका रहेगा, तो इसलिए मैग्नेटिक ईयरबड्स इसमें दिया गया। लाइट वेट है, एकदम हल्का फुल्का है। हैंड्स फ्री कॉल, A2DP ऑडियो टेक्नोलॉजी, आप लोग जो यहाँ पर से हैंड्स फ्री कॉल भी कर सकते हो, मतलब फ़ोन को पॉकेट से निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इजीली इससे ही कॉल को रिसीव करके इसमें ही बात कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फीचर्स वगैरह दिए गए थे, हमने पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर तो हम अभी बॉक्स को खोलेंगे गाइस, खोल के देखते हैं यहाँ पर जो हेडफोन, मतलब जो नेक बैंड है वो किस तरीके का है। तो यहाँ पर बॉक्स को खोल लेते हैं, तो जिस तरीके से खोला जाता है इसको, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा नेक बैंड। तो बॉक्स को हम साइड में रख लेते हैं, और नेक बैंड जो कुछ इस तरीके का यहाँ पर पैकिंग करके दिया जाता है। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं नेक बैंड पे हम थोड़ा देर बाद आते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं पैकेट में आप लोगों को कुछ मिलेगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को एक डाटा केबल मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर ईयरबड्स भी देखने को मिलेंगे। ये रहा यहाँ पर डाटा केबल, देख सकते हैं एक माइक्रो USB का डाटा केबल, बहुत ही छोटा है लेकिन यूज़ कर सकते हो आप लोग। उसके बाद यहाँ पर 4 ईयरबड्स देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर जो ईयरबड्स होते हैं गाइस, यहाँ पर जो ये गुम हो जाता है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो ये ईयरबड्स होते हैं वो गुम हो जाते हैं, और यहाँ पर 4 दिए गए हैं। ठीक है गाइस, 2 है छोटे साइज़ के और 2 बड़े साइज़ के देख सकते हैं, और 2 तो इसमें लगे हुए हैं, टोटल 6 ईयरबड्स यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे गाइस, यहाँ पर पीट्रॉन का यहाँ पर कुछ स्कैनर है, स्कैन मी टाइप इन योर ब्राउज़र, तो यहाँ पर आप लोग पीट्रॉन के ब्राउज़र में चले जाओगे अगर लोग इसको स्कैन करोगे तो ये भी सेम ही है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ यही है और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। तो अभी आप लोग जो है हेडफोन को चेक कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा हमारा नेक बैंड, तो इसको निकाल लेते हैं अच्छी तरीके से। देख सकते हैं नेक बैंड जो है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी की बात करें तो एकदम फ्लेक्सिबल है, इतना मतलब हार्ड नहीं है, इसको आप लोग एकदम फ्लेक्सिबल कर सकते हो, देख सकते हैं एकदम फ्लेक्सिबल है, मुड़ जाता है पूरा, और यहाँ पर आप लोगों को कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं।
तो सबसे पहले तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को तीन बटन देखने को मिलते हैं। जो ऊपर वाला है वॉल्यूम माइनस बटन है, इससे आप लोग वॉल्यूम को कम कर सकते हो और म्यूजिक को भी चेंज कर सकते हो। और एकदम नीचे जो है वॉल्यूम प्लस बटन, ज़्यादा कर सकते हो वॉल्यूम को और इससे भी म्यूजिक चेंज होता है। और यहाँ पर पावर बटन है जिससे आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो और साथ में कॉल को भी रिसीव कर सकते हो। और यहाँ पर LED इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, ऑन ऑफ होते ही यहाँ पर LED जो इंडिकेटर्स है वो जलने लगेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को चार्जिंग पिन देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं नॉर्मल जो केबल होता है माइक्रो USB का वही है यहाँ पर नॉर्मल चार्जिंग पिन। यहाँ पर कुछ फीचर्स वगैरह दिए गए गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हैं ये राइट वाला है R लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये लेफ्ट वाला है नीचे लेफ्ट भी लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हो। तो एयरफोन का जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा लगा, तो सुनने में भी बहुत साउंड जो है इसका बहुत ही एकदम प्योर क्वालिटी का साउंड ये दे देगा आप लोगों को, मतलब इतना जो है बेकार क्वालिटी नहीं बोल सकते इसको, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साउंड जो है एयरफोन दे देगा। उसके बाद बॉक्स में लिखा गया था गाइस मैग्नेटिक, तो देखते हैं ये मैग्नेटिक है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अगर हम इसको थोड़ा सामने ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाता है, देख सकते हैं ये मैग्नेटिक यहाँ पर सच में दिया गया है। तो ये जब आप लोग गले में लटकाओगे तो अच्छा होता है गाइस, ये ज़्यादा हिलता नहीं है, देख सकते चिपक के रह जाता है, तो ये मैग्नेटिक इसीलिए दिया जाता है। तो इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी जो बहुत ही अच्छा यहाँ पर मिल जाएगा गाइस आप लोगों को, बेस एकदम बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो ईयरबड्स है गाइस इसको आप लोग अच्छी तरीके से मतलब चेक कर लीजिएगा, अगर ये है छोटा वाला, ठीक है गाइस, अगर आपके कान में जो छोटा वाला जो है फिक्स नहीं हो रहे तो आप लोग जो बॉक्स में मिलता है गाइस बड़ा वाला उसको आप लोग लगा सकते हो, क्योंकि ये ईयरबड्स ही मेन है साउंड क्वालिटी के लिए। अगर आप लोग जो है छोटा वाला एकदम कान में घुसा के रखोगे तो साउंड क्वालिटी आप लोगों को इतना अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है गाइस। तो बड़ा वाला आप लोग लगा लीजिए, अपने हिसाब से आप लोग इसको लगा दीजिए, साउंड क्वालिटी जो बहुत ही अच्छा सुनने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का था गाइस हमारा ये पीट्रोन का नेक बैंड। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।